बॉर्डर एरियाज जो है और स्पेशली रिमोट एरियाज, तो वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं होते, काफ़ी जगह पे दवाई भी अवेलेबल नहीं होती है, और इसीलिए लगभग लास्ट 24 ईयर से मैं नॉर्थ ईस्ट में काम करती हूँ और कश्मीर वैली में उरी सेक्टर में 8 साल से काम कर रही हूँ। इसी तरीके से डेंटल कैंप्स, फ्री डेंटल कैंप का मतलब है डेंटल चेकअप भी, दवाई देना भी और ट्रीटमेंट भी, यानी दांत निकालना है, स्केलिंग है, फिलिंग है, ये भी काम हम यहाँ पे कैंप में कर रहे हैं। और लास्ट ईयर से गुरेज, लास्ट ईयर भी मैं गुरेज वैली में आई थी, यहाँ पे बरोब में किया था, दावर में भी किया था, भी ये साल भी 2 जगह होने वाले हैं। लेकिन यही उद्देश्य है कि जहाँ पे डॉक्टर नहीं है या तो मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, खास करके डेंटल, क्योंकि डेंटल यानी स्पेशलिटी होता ही है, उसके लिए जनरल डॉक्टर्स के एटलीस्ट मेडिसिन दे दो, स्टेथोस्कोप करके चेक करो, इजी हो जाता है। लेकिन डेंटल के लिए हमारा पूरा डेंटल का जो सेटअप होता है वो होना आवश्यक है, तो ही हम हमारे जो इक्विपमेंट्स है, इंस्ट्रूमेंट्स है, उससे काम कर सकते हैं। और ये पूरा सामान मैं अहमदाबाद से यहाँ पे लाया हुआ तो मैं काम कर सकती हूँ। बेसिकली मेरा नाम जो है, आई एम डॉक्टर प्रतिभा अठवले फ्रॉम अहमदाबाद, और अहमदाबाद से मैं यहाँ हर साल आकर इस तरीके से डेंटल कैंप्स ले रही हूँ। अवेयरनेस नहीं है, ये एक चीज़ समझो, हम जब बताते हैं कि ये ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरी है, तो यहाँ के लोग, पेशेंट्स जल्दी तैयार नहीं हो रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, ये इसका दुख है मुझे। यानी ट्रीटमेंट लो ऐसा कहने के लिए भी एक अवेयरनेस कैंप करना पड़ेगा, और वो काम यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो ही कर सकते हैं। लोकल लोगों की ही ये जिम्मेदारी है कि अपने ही गांव के लोगों को बताना कि अभी कैंप हो रहा है, तो आप जाओ, जो डॉक्टर बता रहे हैं वो ट्रीटमेंट लो। सिर्फ दवाई खाना ये मतलब नहीं है, दवाई से तुमको 4 दिन आराम मिलेगा, बाद में तुम क्या करोगे? तो ये ट्रीटमेंट के लिए भी अवेयरनेस निर्माण होना जरूरी है, और यहाँ का जो लोकल आपके होंगे वो उसके ऊपर ध्यान दे के काम करेंगे तो अच्छी बात होगी। तो हम लोगों को, डॉक्टर्स को भी काम करने के लिए खुशी होती है।